क्षेत्र में अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया, वहीं घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना थाना बिछमा क्षेत्र के ग्राम करीमगंज के पास की है। यहाँ थाना बिछमा क्षेत्र के ही ग्राम शाह आलमपुर निवासी गौरव यादव अपने मित्र मुकेश और असलम को अपनी बाइक पर एक साथ लेकर करीमगंज बाजार करने आया था, और जैसे ही वह बाजार करके वापस जा रहा था, तभी करीमगंज के पास ही अनियंत्रित और तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार तीन युवकों में से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया, वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना की सूचना मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक के परिजनों से जानकारी जुटाने के साथ ही उन्हें दुख की घड़ी में धैर्य रखने की बात कही है। क्या नाम भैया अपना? डॉक्टर कैलाश राज, ग्राम प्रधान करीमगंज। प्रधान जी, ये जो एक्सीडेंट हुआ है करीमगंज पे, कैसे क्या घटना हुई, कहाँ आ रहे थे ये लोग? ये लोग अपने घर पे जा रहे थे शाम को करीमगंज से बाजार करके, और करीमगंज से बाजार करके 500 मीटर दूरी पर नाला हरके से पड़ता है, वहीं ट्रक ने टक्कर मार दी इनकी गाड़ी। ये लोग कैसे थे? ये लोग बाइक से थे। कितने लोग थे? तीन लोग। खत्म कौन हुआ इसमें? इसमें खत्म हुए हैं गौरव। गौरव दो लोग घायल हैं? हाँ, दो लोग घायल हैं, जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। पोस्टमार्टम के लिए आए हैं मृतक? पोस्टमार्टम की बॉडी रखी हुई है।